फाइनली घने जंगल वाला ट्रैकिंग अभी तक ख़त्म कर चुके हैं हम लोग लगभग, और यहाँ से आगे से रास्ता है। अब यहाँ उतरना तो थोड़ा आसान था, बट यहाँ से चढ़ना, बाइक को ले जाके चढ़ना और खुद ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं अभी एक ऐसे अद्भुत स्थान में हूँ जो पूरे जंगलों से घिरा हुआ एक गांव है, और ऐसा गांव आप यकीन मानिए नहीं देखे होंगे। तो मैं आप इस गांव को दिखाने वाला हूँ, और इस जगह में लाने वाले हैं हमारे रिजवान भाई दीपक भैया, जहाँ पर अभी तक ना तो लाइट है ना ही कोई सुख सुविधा है, पर यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। इस गांव का नाम हम रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग जब भी देखता हूँ मैं, जो टूरिस्ट रहते हैं वो जाते हैं, गंदगी करते हैं, पॉलीथीन फैलाते हैं, और यहाँ बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर दादा चाय बना रहे हैं और दादी बना रही है तेज। ओ क्या है भैया? कीड़ा है, कीड़े कीड़ा है, पानी साफ कर तो कीड़ा पानी पानी, पानी साफ करने वाला। अच्छा बहुत नहीं नहीं धूप में ना बहुत कम रहते हैं। मैं देखूं भयंकर देखा हूँ, देख सकते हैं इस पपीते जो है बिल्कुल सेब बना हुआ है ऐसा, वो जो यहाँ से कट करें। हाँ यहाँ से कट करके खाए, पपीता बोल रहा है यहाँ से कट करें, ऐसा सेब है बहुत बढ़िया यार। और पक चुका है ना ये, दिख रहा है आपको कच्चा, पर ये बिल्कुल पका हुआ है। पका, मतलब आज हमारा ब्रेकफास्ट पपीते से होने वाला है। बढ़िया, अब इसको हम ही लोग खाएंगे। और एक आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, इसमें यहाँ बड़ा ही एक अनोखा पपीता का पेड़ है, एक ही पेड़ में कई सारे तना निकले हैं। हाँ पर अभी बैठे ही थे दीपक भैया, मैं एंट्री ही किया था गांव को बनाने के लिए, तो यहाँ दाई हमको चाय पिला दी, ये पपीता खिला दी, फिर यहाँ काफ़ी टाइम तक बैठ गए। और अगर ज़्यादा टाइम तक करते हैं तो पूरा गांव कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। और ये देख सकते हो पीछे गांव, अभी एंट्री ही किया था कि बैठते बैठते बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा और टाइम होने वाला है क्योंकि पूरा गाँव बाकी है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा गांव है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। गांव में टोटल 17 घर है, जिसमें से 5 घर इधर है, और बाकी थोड़ा सा और जंगल ट्रैक करके जाएंगे तो बाकी गांव पड़ेगा। उसको नहीं, उसको नहीं, वो नीचे पर रखाया हुआ उधर, वो ना हाँ, ये तो धार करने का है, ये धार करने। अच्छा अच्छा, लेकिन डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिजाइन है, एक तरफा मजा आ गया। 50-60 ये ना, ये तो हसिया नहीं, सब्जी काटेंगे ना, मढ़ाई के पैर में फंसा के। वो कतका के सब्जी काटे वाले कतकम बेचते हो ना? 30-40। ये जंगल के लिए अच्छा है, पता है, बहुत अच्छा है। आगे ट्रैकिंग करें ना, हाँ हाँ, रख सकते हैं छोटा वाला। दोस्तों अभी अब वक्त हो गया है खाना खाने का, और ये दोना पत्तल में हमारा खाना निकल गया, खाना सब्जी। और ये जो भाजी बना है ये मिट्टी के बर्तन में बना है, और इस चूल्हे से हमारे लिए खाना बनाया गया है, और जो यहाँ का डेली रूटीन है इसी में बनाया जाता है। और वैसे तो यहाँ बहुत पहले खाना खा लेते हैं, और अभी 9:30 बजे हैं सुबह के, अपन सुबह के 9:30 बजे खाना खाएंगे। आज क्या सब्जी बना है दीदी? आलू। अच्छा खट्टा में बनाएगा दीदी? नहीं। अच्छा अच्छा नॉर्मल है। टमाटर। वो हंडी में बना है दीदी? हाँ। अच्छा सब्जी। अच्छा भाजी फूलगोभी की भाजी। अच्छा फूलगोभी भाजी, आज फूलगोभी का भाजी, भाटा है, बड़ी है, आलू है, वो सब्जी खाने वाले हैं। चावल पे पसिया बोलते हैं इसको। हाँ। और ये पसिया है, मतलब पानी के बदले हम लोग चावल का पेज खाएंगे, पसिया देख सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा हेल्दी बताया जाता है इसको। ये पेज है, और ये है आलू बड़ी का
सब्जी और ये है भाजी और मटर और ये चावल। पेट ठंडा रख। हम पानी ठंडा पानी नहीं पीवन। अच्छा ही पीता। हाँ एक पीता। अगर हम इस गांव में आना चाहते हैं तो कैसे हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं केशकाल इको टूरिज्म से? आप केशकाल इको टूरिज्म के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है keshkalecotourism.com जी। और उसके अलावा हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी है मतलब प्रोफेशनल 7024082987। उसके अलावा हमारे को आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। और हमारा मेन रीजन ये है कि गांव को रिवील नहीं करने का। आप यहाँ कल्चर जो है ना बिल्कुल यूनिक है। हम चाहते हैं कि वो कल्चर बचा रहे। वो बाहरी लोग से जब जुड़ेगा ना तो वो कल्चर पूरा खराब हो जाएगा। जी, जी। आज भी मतलब समझो के रखा हुआ जो आज के 20 साल पहले या बोल सकते हैं कई सौ साल पहले का भी कल्चर तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं। और वैसे भी हम लोग कई जगह होम स्टे करने के जाते हैं तो वहाँ पॉलिथीन डिस्पोजल सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बहुत अनोखा है। यहाँ शहर के कोई लोग आए ही नहीं है यहाँ। एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो गांव है इस गांव में हम लोग पहले टूरिस्ट हैं जो इस गांव में आए हैं, अभी तक तो कोई आया भी नहीं है। सो ये भी एक जैसे अपन एंट्री किए गांव के सारे लोग देखने लगे बार बार, घर के अंदर से देखना बाकी बाहर से देखना ऐसा जितना भी लगे घर है देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे पत्थर है सॉरी लकड़ी से बने हैं और मिट्टी से उसको लेपा गया है।